दोस्तों जिस किसी को भी लगता है ना कि इंडिया वाले सुपर हीरोज की मूवीज या सीरियल नहीं बना सकते तो वो बहुत ही ज्यादा गलत है। बस फर्क यह है कि हॉलीवुड वाले सुपर हीरोज के जरिए एक्शन मूवी बनाते हैं और इंडिया वाले इनका इस्तेमाल करके कॉमेडी मूवीज बनाते हैं। देखो सबसे पहली बात तो ये है कि इंडिया में सुपर हीरो मूवीज या सीरियल बनाने वाले डायरेक्टर्स हद से ज्यादा कंजूस हैं। अगर इन्हें 50 करोड़ रुपए देकर भी बोला जाए ना कि एक 10 मिनट की शॉर्ट सुपर हीरो फिल्म बना दो तो 49 करोड़ रुपए ये अपने जेब में रख लेंगे और बाकी के 1 करोड़ रुपए का यूज करके ऐसी मूवीज बना देंगे। अब अगर सबसे पहला इंडियन सुपर हीरो सीरियल मुझे याद है तो वो है हीरो का शो। अब यार मैं इस शो की बुराई बिल्कुल भी नहीं करना चाहता क्योंकि ये मेरे बचपन का वन ऑफ द फेवरेट शो हुआ करता था, लेकिन आज बड़ा होने के बाद मुझे ये पता चल रहा है कि इसकी बहुत सारी चीज थी जो मुझे समझ ही नहीं आई थी। आपको भी हीरो के दोनों साइड किक्स ढोलू और बबली जरूर याद होंगे। ढोलू के पास हाथ की जगह हथौड़ा हुआ करता था और बस यही इसकी सबसे बड़ी पावर थी। और बबली के तो क्या ही कहने हैं। अब मैं ये सुनकर शॉक नहीं होऊंगा अगर लोग कहे कि वो सिर्फ बबली को देखने के लिए सुपर हीरो का शो देखा करते थे। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। लेकिन यार सिर्फ हिंदी सुपर हीरो सीरियल बनाने वालों को ही गालियां क्यों दी जाए? अपने खुद के सुपर हीरो बनाने में साउथ के मूवी मेकर्स भी कम थोड़ी ना है। अब आपको लग रहा होगा कि सिर्फ डीसी स्टूडियोज के पास ही सुपरमैन को अपनी मूवीज में दिखाने के लिए राइट्स दिए गए हैं, लेकिन मेरे दोस्त साउथ वालों के पास अपना खुद का सुपरमैन है। वाह क्या सीन है। सिर्फ सुपरमैन ही नहीं, इंडिया वालों ने बैटमैन तक को नहीं छोड़ा है और ये बैटमैन और कहीं नहीं बल्कि वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर शो CID में दिखाया गया है। अब मेरे ख्याल में बार बार इंसानों को खूनी दिखा दिखा के CID वाले पक गए होंगे, इसीलिए उन्होंने सोचा होगा कि क्यों ना कुछ क्रिएटिव किया जाए, लेकिन सीधा बैटमैन से ही खून करवा देना शायद थोड़ा ज्यादा तो हो ही गया था। हॉलीवुड के सुपर हीरो से कॉपी करने में तो जैसे इंडियन डायरेक्टर्स ने महारत हासिल कर ली है। अब स्पाइडरमैन के ही सस्ती कॉपी मकड़न से मिली है। इच्छाधारी मकड़ी। अब यार देखो मुझे नहीं पता कि उसके चेहरे पर इस तरह से मकड़ी का जाला बनाने का आइडिया कौन से मेकअप आर्टिस्ट का था, लेकिन मैं हैरान हूँ कि आखिर कौन से बेवकूफ डायरेक्टर ने इस सस्ते आइडिया को सपोर्ट किया। अब हमारे असली के स्पाइडरमैन की सबसे खास सुपर पावर कौन सी है? वेल मैं तो कहूंगा उसका स्पाइडर सेंस, राइट? इससे वो किसी भी खतरे के बारे में पहले ही जान जाता है, लेकिन मकड़न के पास खतरे को सूंघने की पावर्स है। यही नहीं, अभी और सुनिए। मकड़न के पास मकड़ी की कोई भी शक्ति जैसे कि दीवार पर चढ़ना या जाला छोड़ना नहीं है, बल्कि वो तो खुद को मकड़ी में बदलने की पावर रखता है। बेशक इन्होंने स्पाइडरमैन से इस सुपर हीरो के कॉन्सेप्ट को चुराया जरूर है, लेकिन इसे जो पावर्स दिए ना वो किसी भी तांत्रिक बाबा से कम नहीं है। अब टीवी सीरियल की कुछ और सुपर हीरोज को ही देखिए। इस सीरियल का नाम है दिव्य दृष्टि। इसके डायरेक्टर ने सीधा फाइनल डेस्टिनेशन की मूवी से मूवी के कैरेक्टर्स को सुपर पावर्स दे दी। सबसे पहली कैरेक्टर के पास फ्यूचर में होने वाले किसी भी हादसे को पहले ही देखने की शक्ति होती है, लेकिन इससे एक लेवल आगे जाने के लिए सीरियल के डायरेक्टर ने उनकी बहन को भी सुपर हीरो बना दिया, जो जिस तरह से चाहे उस तरह से फ्यूचर को बदल सकती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये दोनों बहनें एक विलेन से लड़ने के लिए अपनी सबसे खतरनाक शक्ति यानी कि चिल्लाने की शक्ति का इस्तेमाल करती है। अब जब मैंने थोड़ी सी रिसर्च की ना तो मुझे ये पता चला कि इंडिया के हर स्टेट के पास अपना अपना एक सुपर हीरो है। अब जैसे कि बिहार के सुपर हीरो को ही देख लीजिए। चुर्म देख के खोपड़ी सटक जाले साली, नाम है हमार हंटर वाली। ये हंटर वाली अपने मेन हथियार हंटर और शक्तिमान की गोल गोल घूमने वाली पावर से किसी भी दुश्मन को हरा सकती है। सुपरमैन बैटमैन एंड स्पाइडरमैन ही नहीं बल्कि इन टीवी सीरियल्स ने हल्क को भी नहीं छोड़ा है। अब इसके स्पेशल इफेक्ट्स कितने ज्यादा खराब है ये बताने की जरूरत नहीं है मुझे, लेकिन सबसे फनी चीज ये है कि इस बड़े से राक्षस का नाम इन्होंने मुन्ना रखा है। वेरा मुन्ना, वेरा मुन्ना।
अब आपने मार्वल की लेटेस्ट मूवी एंटमैन क्वांटमेनिया के बारे में तो जरूर सुना ही होगा, लेकिन इंडिया के अपने एंटमैन के बारे में तो आपने कभी सुना भी नहीं होगा। हे चीटी रानी, सामने आओ, प्रकट हो। तुम्हारे सामने ही खड़ी हूं। तो अपने असली रूप में आओ। अभी सीरियल में क्वांटम रेल्म तो नहीं, लेकिन एंटमैन और ग्रास हॉपर मैन के बीच कड़ी लड़ाई जरूर दिखाई गई है। ये सभी सीरियल्स उस वक्त आए थे जब इंडिया में मार्वल का बोलबाला हुआ करता था। इस ट्रेंड को फॉलो करते हुए इंडियन सीरियल मेकर्स ने सोचा कि क्यों ना हम भी अपने वर्जन के सुपर हीरोज बना दे। अब देखो, किस्मत से ये सीरियल सिर्फ कुछ ही एपिसोड्स के बाद ही बंद कर दिए गए थे। अगर दुनिया के दूसरे लोगों को पता चलता कि इंडिया वाले क्या बना रहे हैं तो हमारी पहले से ही डूबी हुई इज्जत और ज्यादा डूब जाती। वैसे आपका इसके बारे में क्या ख्याल है मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करके जाना। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।